घमासान लड़ाई हो गया, ठीक है, किरत तितली बनी हुई है। कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा चिकू का खाना मिल सकता है? कह रहे लेग पीस, लेग पीस। कह रहे रिवाइव करने आता था। वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है, टीवी पे डिसाइड हो रहा है कि देखना क्या है, दोनों बैठे हुए हैं और आज है संडे। कॉफी, चीयर्स। कल परांठा खा लिया था, आज नो परांठे। तूने कब खाया परांठे? परसों खाया था। परसों खाया था, कल तो हमने पहला ब्रेकफास्ट किया। ये देखो गाइस, खाना खा के लड़की कह रही मैं उठूंगी ही नहीं, कह रही मैं सारा दिन सोऊंगी। आज मैं सोऊंगा, आज सारा दिन सोऊंगा। जब तक तुमने सोना सोजा, 12 बज रहे। I need to be rejuvenated। तेरे को उठाऊं ना पूरा दिन आज? नहीं, मैं सारा दिन सोई। सारा दिन चल डन। सो जब तक कीरत सो रही है, मैं करूंगा पढ़ाई, एक के बाद एक दो टेस्ट तो आज देने ही देने हैं, और फुली फोकस पढ़ाई करनी है, और देखना है जो जो गलती है उसको इम्प्रूव करना है। एक और आपको चीज दिखाओ, ये सबको तो काम नहीं आएगा, बट हो सकता है किसी एक दो को भी आए तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी। जब मैं टेस्ट देता हूँ ना, तो मैं ये तीन कॉलम्स बना लेता हूँ, इससे पहले मैं चार बना रहा था एक्चुअली। वो है कि कौन से क्वेश्चन आपके राइट होंगे, ये मैं नंबर लिख लेता हूँ, कौन सा है कि मेरे को लगता तो है राइट है पर फिर भी चेक करना है, और अगर ये सही भी हुआ, मान लो 65 क्वेश्चन है जो 65th वाला है, वो अगर सही भी हो तो भी मुझे उसकी रीजनिंग देखनी है कि मैंने तुक्का मारा है कि नहीं, जो रॉन्ग है वो बोले कौन से, और कम बैक के अभी मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, वापस आके मैं सबमिट करने से पहले टेस्ट देखूंगा। इससे क्या फायदा है कि आपको जो आपने लगा है कि आपके हिसाब से सही है, क्या वो वाला सही था? अगर वो वाला गलत हो गया तो आपको बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे थिंकिंग इंप्रूव करनी है। एक ही जो आप तुक्का लगा रहे हो रीजनिंग की वजह से, आपने तुक्का लगाया वो आपकी सोच ठीक है कि नहीं, एक आपने अगर गलत सोचा था कि यार ये तो पक्का ही गलत होगा, तो वो वाला ठीक है कि गलत है। तो दिस इज समथिंग हैज रियली हेल्प मी, मतलब अगर कोई ऐसा हो जाए ना कि जैसे मुझे पता लग गया कि जो पक्का ठीक होगा अगर वो भी गलत हो गया, फिर तो काफी फायदा है। तो ये पढ़ाई के लिए काफी काम आया ये टेक्निक। टेस्ट हो गया गाइस, टोटल मेरे गलत है 3-4 क्वेश्चंस और आए हैं 96%। 3 घंटे का टेस्ट था, हो गया। आज मेरा स्लो डे, रेस्ट। सोच लो जब एक पति एक बीवी को शादी के 5 साल बाद भी ऐसे आके पप्पी करे, तो इसका मतलब है कि घर पे बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई हो गया, ठीक है। एक हमने रील डाली थी, पता नहीं वो कितने मिलियन गई थी, 5 मिलियन या 10 मिलियन गई थी, जिसमें कहा पति पत्नी पे कभी भरोसा मत करना है, ये सुबह शाम लड़ते हैं और रात को ऐसे हक करके सोएंगे कि जैसे पता नहीं क्या, रात तक सब ठीक हो ही जाता है। गाइस ये नूडल्स हैं, ठीक है, हेल्दी नहीं है बट अब खा रहे हैं, कॉस्को से लिखा है वेजिटेरियन है सारे, अंदर सब्जी सब्जी भी दिखाते हैं। गाइस हेल्दी तो नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ सब्जियां हैं, ठीक है, बट ये तो बहुत ही मैदा टाइप सी है, बट हमें टेस्टी लगा, ये गुड चीज है। 3 मिनट बस माइक्रोवेव में डाला इसको, एक साइड से खोला फिर बाकी दूसरी साइड से निकाल दिया, और कीरत हल्का सा पनीर का ऊपर से तड़का स्पेशल डिमांड पे डाल रही है, पानी का तड़का लगा रही है। किसके पानी का तड़का? पनीर के पानी का? नहीं, नॉर्मल पानी का। हाँ, पानी का तड़का। अच्छा, तड़के वाली चाय बन रही है दोस्तों। एक तरफ चल रहा है स्प्लिट्स वाला नया एपिसोड, और दूसरी तरफ चल रहे हैं मोनो टील। दिन का चल रहा है ये तीसरा लॉट। ये देखो मेरे लॉट ना बहुत छोटे छोटे से होते हैं, भरती नहीं हूँ मैं। वुलन निट्स जितने भी होते हैं ना वो मैं अलग करती हूँ और उनकी ये वूल वाली सेटिंग पे लगाती हूँ। कई लोग पूछते हैं कि मैं वुलन कैसे वॉश करती हूँ, मैं वूल सेटिंग मतलब डेलिकेट्स होते हैं उस सेटिंग पे वॉश करती हूँ। ढेरी लगा दी है कपड़ों की, अब इनको तय बाद में करूंगी। चल मेरा बच्चा, चलिए चलिए अपा, चलो चलिए कुमी कुमी, लेट्स गो। चीकू को मैं लेके जा रही हूँ वॉकी के लिए। चीकू इज ऑल एक्साइटेड, और मेरा बच्चा, मेरा बेबी नु पता चल जाता है, मेरे बेबी नु पता चल जाता है। सेकंड डे के बाद ही इसको पता चलने लग गया था कि मेरे को ये स्वेटर क्यों बना जाए, क्यों पहनाया जाता है। चलिए अपा, चलो चलो, ओए ओए ओए, चलो चलो रुको, वेट करो, वेट, नो स्टे स्टे सिट, नो स्टे स्टे, मेरा बच्चा सिट सिट, गुड बॉय गुड बॉय। डोर के पास देखो कैसे खड़ा हो गया। जाना चाहिए मम्मा, एक मिनट, शूज पहने मम्मा। और दोस्तों मैं नहीं जा पा रहा, मैं अपना सेकंड टेस्ट कर रहा हूँ, ये दोनों जा रहे हैं, इसके बाद मैं तो शायद वॉकली निकलूंगा गिरत, ठीक है, तो तुम लोग अपना एंजॉय करना, मैं अपनी वॉकी वॉकी कर लूंगा। कहाँ जा रही हूँ? न्यू वेस्ट। नीतू के घर जा रही है, जब से नीतू वापस आई गाइस कीरत तितली बनी हुई है। लेट्स गो चिकी, लेट्स गो। सुबह से वैसे तो मैं बहुत थकी हुई थी और मैंने सोचा मैं सारा दिन सोऊंगी आज, एक घंटा तक नहीं सोई मैं, एक घंटा भी, और बस सुबह से फिर मैं लगी हुई हूँ, कभी बर्तन साफ, कभी किचन साफ, और कपड़ों के पूरे लॉन्ड्री के लोड वगैरह लगा रही हूँ। और अब मैं ऐसे हो रहा कि मैं निकलती हूँ, चांचू को भी टाइम लग जाना था पढ़ने के लिए,
फिर मैंने सोचा सनसेट देखकर आती हूँ अपनी फ्रेंड के पास और उसके साथ चाय पीऊंगी एंड चीकू को घुमाऊंगी. को समझा रही हूँ मैं कि चिकू यू हैव टू बी गुड बॉय और इसको मैं ले जाऊंगी तभी ये यूज टू होगा और ऐसे घर पे तो और भी ज्यादा. नो चिकू गाड़ियों को भी भौंक रहा है भाई गाड़ियों को भी. ये शैतान को देखो कैसे नीतू को भौंक रहा है. कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता. मैं नीतू को बता रही हूँ कि ये काम क्यों रहा है. ये जब घबराया होता है तब काम था और जब ठंडा होता है तब भी. सनसेट देखती हूँ तो चीकू को भी घुमाती हूँ और नई जगह में दिल लग गया. नहीं तो इंडिया तो आके मुझे घर जाना है. इट्स ओके गिव सम टाइम गिव सम टाइम. मैं और नीतू याद कर रहे थे वो दिन जब हम न्यू वेस्ट पढ़ते होते थे यहाँ आकर रिलैक्स होते थे बोर्ड वॉक वॉक करके. और टेस्ट हो गया है 96% आए हैं. बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बड़े ही चंपू से क्वेश्चन गलत हो गए यार. मतलब दो तो मुझे ऐसे डाउट थे बट दो ऐसी गलत हो गए. मैं कंफ्यूज हो गया था और थक गया था. लेट्स गो फॉर अ वॉक. सोच रहा हूँ बाहर जाके कॉफी पी लूँ. हाँ दो टेस्ट दिए हैं. पहला दिन है लाइफ में जब मैंने दो टेस्ट बैक टू बैक मतलब बैक टू बैक नहीं थोड़ी ब्रेक लेके दिए बट काफी एग्जॉस्टिव हो जाता है लंबे लंबे टेस्ट देना. बट अच्छा लग रहा है. चलते चलते हम आ गए हैं सेम होम. चीकू को रख लिया अपने बैग में. अब जाते हैं घर. चीकू ट्रेन सी बुत ट्रेन सी ट्रेन ओ बुत्ती ट्रेन सी ट्रेन सी ट्रेन सी बस. वॉक करने जा ही रहा था मुझे अभी अभी टेडी की मम्मी का फोन आया. टेडी की मम्मा वगैरह गए थे कॉस्को खाना लेने के लिए. तो बेसिकली उनको खाना मिला नहीं क्योंकि आज कॉस्को बंद हो गया होगा जल्दी है कुछ ऐसे करके. तो फिर टेडी ने बोला कि थोड़ा चीकू का खाना मिल सकता है. मैंने कहा पूछने वाली बात है कोई तू बता मेरे को कितने दिन के लिए खाना चाहिए. कहती एक ही दिन के लिए खाना चाहिए. मैंने कहा पूरे हफ्ते के लिए रख तू खाना कोई बात नहीं. ये तो कोई मतलब यू डोंट इवन हैव टू आस्क. एंड तो मैं तनीषा को खाना दूंगा चीकू के लिए फिर उसके बाद मैं वॉक पे निकल जाऊंगा. तेरे तभी भी नीतू था मजे मारी जो आप देख ही रहे हो. कल ही क्या था मुझे याद आया कि तनीषा को डोलो भी चाहिए थी. उसकी भी तबीयत ढीली चल रही थी. वापस आया हूँ मैं थोड़ा उसको डोलो पे निकले. तनीषा और हर्ष को मैंने सामान दे दिया है और उसके बाद मैं वॉक पे चला गया था. फिर कीरे कहती कि मैं भी आ गई हूँ पति देव गाड़ी को चार्जिंग पे लगाने के लिए तो तुम चार्जर पे क्यों नहीं मिल लेते मुझे. मैं कहा व्हाई नॉट. मैं अपने बीवी और अपने गुगले से मिलने आ जाता हूँ चार्जिंग पे. मेरा गुगला मेरा छोना मेरा नोनू मेरा गुग्गू पापा को नहीं हेलो करना पापा को नहीं हेलो करना. ऐसे मस्तियों में बैठ के आते हैं अपनी माँ के साथ. स्टैचू हो बड़ा स्टैचू. अब पहचाना है अब पहचाना है. पापा को तो 1 माइल दूर से पहचानना होता है. अच्छा अच्छा क्या मस्तियाँ मार के है क्या मस्तियाँ मार के है. वेरी गुड वेरी गुड. साथ में IX खड़ी है कोई BMW की गाड़ी है. इंटीरियर हॉट BMW है ये तो मैं सोच रहा हूँ. मैं सच में सोच रहा हूँ बीच पे ले जाओ ये एक दो ड्रिंक्स मारो साथ में झूठे लो. हाँ बहुत अल्टीमेट लगी है. We'll get these. जब हम कैंपिंग करेंगे ये लेके आना अपनी. 100%. गाइस हर्ष ने क्या प्रोफेशनल चॉपिंग की है. बाय द वे इसको नहीं पता बताते हर्ष हमारा प्रोफेशनल शेफ भी है. Yes. एक दिन हर्ष के ऊपर ना वो करवाएंगे बारबेक्यू. हर्ष ने हमें बारबेक्यू पार्टी पे बुलाना है. Why not? You will love it. वो भी बड़ी पार्टी करेंगे उसके. पर आप चिकन नहीं खाते ना ये प्रॉब्लम है. मैंने छोड़ दिया. मैंने चीकू की वजह से छोड़ दिया. उसकी टांगे देख लगती नहीं लेग पीस. सेम मेरे को भी इसकी टैडी की लेग टांगे. मैंने सिर्फ चीकू की वजह से चिकन छोड़ा है. मेरे को भी लगती है. ये तो उसको दंदी भी काटती कभी कहते इधर और वो आगे से उसको दंदी काटेगा. मेरे कह रहे लेग पीस ये लो जी. ओह पिज्जा लग रहा है भाई पूरा पिज्जा लग रहा है ये तो.
पहले उस पे पबजी पे अच्छा तो फिर तू खेलता था ना ब्यूटी पहले खेलता था तू डाउनलोड करना पर खेलेंगे यार ये पागल हो जाएगी बाथरूम जाकर बंद किया गया फुटने लगा मैं यहाँ पे मेरा पिछला मेकअप ना ये पबजी नहीं खेल सच्ची तू गाड़ी में नहीं बैठती थी क्या वो ज्यादा ही बता दिया था वो उसको बोलती कभी घूमने चलो छह महीने में रिवाइव करने आता था जब लास्ट टाइम आयुष आया था ना छोटे से तो निकिता और ये भी खेल रहे हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे थे आओ तुम्हें हेलीकॉप्टर में घुमा के रात को चार्जिंग से हटा दिया हर्ष तो ईशा नहीं छोड़ दिया रात के बज रहे 2:08 और चीकू की जो बैटरी डेड हुई है खेल खेल के 10 बजे अब मेरी जान निकलेगी कल सुबह चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कीरतन को क्या क्या करना चाहिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो बाय बाय गाइस बहुत नींद में